हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट। मैं लेकर आया हूं बहुत बड़ी वैकेंसी न्यूज। इंडियन आर्मी पोर्टल भर्ती सीधा रैली। इनकी सैलरी की बात कर लूं तो 30,000 रहेगी परमानेंट भर्ती है। हाइट कितना मांग रखेगी है, इसके अलावा ये भर्ती कब आएगी, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे ये भर्ती देखनी है, ए टू जेड जानकारी इसमें बताई जाएगी। पोर्टल भर्ती से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन क्वेरी है वो पूरे क्लियर किए जाएंगे। आप कंटिन्यू लास्ट तक बने रहना, बहुत बड़ी न्यूज है आप सभी के लिए, ठीक है। पोर्टल भर्ती का बहुत ज्यादा इंतजार भी कर रहे हैं और लोगों के मन में काफी लोगों के तो मन में यही शंका है कि ये पोर्टल भर्ती है क्या, इसमें सैलरी कितना मिलता है, हाइट कितना मांग रखी है, परमानेंट है या इसमें फिक्स माह होता है, या आप कितने ईयर तक ये भर्ती इस जॉब में लगकर आप आर्मी के साथ काम कर सकते हो। शुरुआत में मैं चलूं इनकी एक एक करके डिटेल पे। उससे पहले यदि आप सभी नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक और आप सभी को मैं बात करना चाहता हूं, जो भी पोर्टल भर्ती के संबंधित आपके मन में कोई भी कमेंट क्वेश्चन है तो जरूर इस वीडियो के नीचे करें। जो अगला वीडियो आएगा उसमें एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन फिर भी यदि कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप जरूर कमेंट करना। आपके मन में पोर्टल भर्ती के रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो जरूर करना, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, या तो वीडियो बना के नहीं तो कमेंट में आंसर देकर आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो कमेंट जरूर करना, ऑल ऑफ यू कमेंट जरूर करना, सब कैंडिडेट, ठीक है। ठीक है, शुरुआत में मैं सबसे पहले चलूं तो ये बात कर लूं एक बार, जो भी आप हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म है जिनके लिंक दे रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उन सभी को आप ज्वाइन करके रखो। कोई भी न्यूज होगी तो सबसे पहले आपको वहां दी जाएगी, ठीक है। सबसे शुरुआत में ले लूं, इंडियन आर्मी पोर्टल भर्ती है क्या, पोर्टल क्या है। इंडियन आर्मी पोर्टल एक ऐसी जॉब है जिसमें इंडियन आर्मी के साथ मिलकर आपको काम करना होता है, जैसे उनके सपोर्ट स्टाफ, उनके इंडियन आर्मी के सपोर्ट स्टाफ को पोर्टर कहते हैं। अब पोर्टर वैकेंसी है जो, कैसे इसकी भर्ती होती है, तो ये ऑफलाइन सीधा भर्ती रैली होता है। इसमें न तो कोई फॉर्म भरना होता है, ओनली फॉर अपने ऑल डॉक्यूमेंट तैयार करो और भर्ती में जाओ, रेस लगाओ और सीधा आपकी सिलेक्शन पाओ, एग्जाम भी इसमें नहीं होगा, ठीक है। सैलरी भी अच्छी खासी है, 30,000 तक इसमें सैलरी रहती है। उसके अलावा यदि आपकी हाइल्टी में जॉब रही, यदि ऊंचे पहाड़ों पे जॉब रही, तो आपकी इसमें अलाउंस वगैरह बढ़ा के जो इनका पेमेंट है वो भी और भी बढ़ सकता है, ठीक है। बाकी जो अग्निवीर है उसको भी 30,000 सैलरी नहीं दे रहा है, पोर्टल में आपको 30,000 सैलरी इंडियन आर्मी दे रही है। ये भर्ती परमानेंट है या कितने मंथ के लिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाइट की बात कर लूँ तो 1.60 नॉर्मली हाइट मांग रखा है इसमें, और काफी एरिया में तो ये भी छूट दे रखी है, 1.60 में भी छूट दे रखी है, तो हाइट का तो कोई इश्यू ही नहीं है। आप जैसे भी हो, हाइट 1.60 से कम है तो भी आप इसमें भर्ती में जा सकते हो, ठीक है। ये पोर्टर, एक बार मैं फिर इसके बारे में बात करूं तो ये पोर्टर आर्मी के सपोर्ट के लिए होता है। जैसे मैं डायरेक्टली बात कर लूं तो ये देखो, आर्मी के बंकर बनाने में काम करते हैं, आर्मी के कोई सामान इधर से उधर ढोने में काम करते हैं, आर्मी के साथ मिलकर मेस में काम करते हैं, आर्मी के स्टोर कीपर में ये लगे रहते हैं, आर्मी के मेस स्टोर कीपर कलरक तक एलडीसी की पोर्टर में इनकी जॉब लेती है। जैसे ऑफिस के अंदर आईएलटी में यदि ऑफिस के अंदर कोई काम हो तो उसमें भी पोर्टर को शामिल कर दिया जाता है यदि ज्यादा जरूरत पड़े तो। बाकी जो मेस है, इनका सामान अनलोडिंग है, लोडिंग करना, इधर से उधर ले जाना, कोई ट्रक चलाना, या फिर इनके बंकर बनाना, सीमा के पास बंकर बनाना, यहां तक इनके पोर्टर की काम रहती है, ठीक है। अभी मैं बात कर लूं पोर्टर रैली है कब, सैलरी 30,000 मैंने बता दिया, हाइट 1.60 इससे कम है तो भी चलेगा, परमानेंट भर्ती है, ये परमानेंट भर्ती नहीं है, परमानेंट भर्ती और क्वेश्चन मार्क लगा रखा है तो ये परमानेंट भर्ती नहीं है, ये फिक्स 12th महीने बेस पे 12 महीनों के तौर पे, या उसके ज्यादा जब तक ये न्यू रैली नहीं निकालेंगे तब तक इसको अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बार जैसे आप भर्ती देखोगे 12 महीनों के लिए आपको लिया जाएगा, उसके बाद में जस्ट इनकी न्यू भर्ती आएगी, और न्यू भर्ती आते ही आप फिर फॉर्म जो इनकी ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से ये भर्ती होगी सीधी, आप सीधा जाओ भर्ती में भाग लो, रनिंग पास करो, जो नॉर्मल हाइट वेट टेस्ट, थोड़ा नॉर्मल मेडिकल, और इनकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट की मैं बात कर लूंगा, डॉक्यूमेंट अपने चेक करवाओ और वापस अपनी लग जाओ जॉब पे, तो ऐसा कुछ इसमें रहता है। यदि एक और इनका सीधा रैली होगा कब, तो इनका सीधा रैली भर्ती मार्च में, इनका सीधा रैली भर्ती लास्ट तक, मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में इनका सीधा रैली भर्ती होगा। तो इनमें डॉक्यूमेंट की बात कर लूं, मेन डॉक्यूमेंट में है पुलिस चरित्र आपको चाहिएगा, बैंक डायरी एसबीई की चाहिएगी, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट रहेगी जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आएगा मैं बताऊंगा, आप जस्ट बनवा लेना। लेकिन ये दोनों में प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, यदि आपने एसबीई का अकाउंट नहीं खुलवा रखा तो खुलवा लो और पुलिस चरित्र बनवा लो। ये दोनों बनाने के बाद में आप जैसे ही इनकी भर्ती आएगी मैं तुरंत बता दूंगा, आप सीधे भर्ती में
चले जाना। बाकी ये परमानेंट भर्ती नहीं है, सीधा भर्ती है। इसमें 12th महीनों बेस पे एक बार लिया जाता है, उसके बाद में फिर भर्ती देखो और फिर आप लग जाओ। हाइट का कोई इशू नहीं है, सैलरी 30,000 प्लस रहेगी समथिंग। हाईएलटी में इसकी सैलरी और भी बढ़ सकती है। और बाकी इनको सेना के साथ काम करना होता है, 12th मंथ के बाद वापस जो इनकी भर्ती आती है वापस ट्राई करके आप वापस लग सकते हो। ये इनका पोर्टर का रहा है। इसके अलावा यदि पोर्टर की भर्ती के संबंधित कोई भी आपके मन में क्वेश्चन क्वेरी है तो बेझिझक कमेंट करना, आपकी पूरी तरह हेल्प की जाएगी और उसके बारे में तुरंत वीडियो बना के या फिर कमेंट के आंसर देकर आपको बता दिया जाएगा। और जो एनडीए की ग्रुप सी की जो कोई बंदा है या देख रहा है तो उनकी जो क्लास है सुबह 8:30 बजे आएगी, एयरपोर्ट एनसी की वैकेंसी जल्द आएगी, आप कंटिन्यू साथ बने रहो। इनके अलावा आप सभी जितने भी कैंडिडेट देख रहे हो वीडियो को कमेंट जरूर करें, कमेंट कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन क्यों है तो कमेंट जरूर करें, या वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करें, और भी कोई वैकेंसी न्यूज के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट करें, जल्द वीडियो आएगा। ठीक है, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और भी कोई मन में क्वेश्चन क्यूरी है तो बेझिझक कमेंट करना, हमारे पूरे जो भी प्लेटफॉर्म उन सभी को ज्वाइन करके रखो। और भी कोई इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और भी कोई मन में क्वेश्चन क्यूरी है तो बेझिझक कमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।